गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर दीपांशु हिल्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत थोड़े से अपसेट मूड से है, जस्ट बिकॉज कि भाई 3 महीने हमें यहाँ पे हो गए और 3 महीने का लॉकडाउन भाई कैसे बीत गया हमें नहीं पता चला। इन 3 महीनों में जितनी मेमोरीज हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है ना, हम लोगों ने अपने लिए बनाई है, वो मेमोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे दोस्त जो बचपन से हमारे साथ हैं, उन लोगों के साथ हम लोग साइकिलिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। और ये मोरों की आवाज़ भी। लेकिन भाई हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, शायद आ चुका है वापस जाने का, हमारा वक्त आ चुका है, वापस जा रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। एक वेकेशन 3 महीने का भाई बेस्ट वेकेशन मेरा हो चुका है खत्म। और सुबह निकलने का प्लान था 6 बजे का, लेकिन 6 बजे से बारिश हो रही है, अभी बच चुके हैं 9। नीचे जाते हैं, तैयार होते हैं एंड मिलते हैं। और बाकी भाई शक्ल पे ज़्यादा मतलब ऐसे फोकस मत करना, जस्ट बिकॉज जब से हम उठे हैं आए भी नहीं है। और राजू चलते हैं और गाड़ी भी आ गई जिसमें हमारा सामान जाएगा, जस्ट लाइक हमारा PS4। अरे रे, तो ये भाई गाड़ी अपनी आ गई है इधर, जिसमें हमारा PS4 ये सब चीज़ें मतलब रखी हुई है। बाकी चलते हैं भाई, ओवरऑल जो हमारा वैसे घर है यहाँ से 40 किलोमीटर अराउंड है, बिकॉज हम लोग हैं साउथ वेस्ट और जो हमारा जो घर है वो है नॉर्थ वेस्ट, टोटली ऑपोजिट। और लास्ट गुड बाय टू आवर प्लेस, जहाँ पे हम लोगों ने 3 महीने भाई खूब मस्ती मजाक फन किया। आखिरकार समय आ गया अलविदा करने का और अपने घर वापस जाने का। भाई मन तो कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, लेकिन जो काम होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, वो तो इम्पोर्टेंट है। जाना है वापस अपने घर पे, ये तो कन्फर्म है। द थिंग इज़ कि वहाँ पे केसेस कोरोना के एज़ कम्पेयर टू इधर बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और भाई, 3 महीने तो मुझे यहाँ पे रहते हो गए और अभी तक यहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा खास बड़ा कोरोना केस नहीं आया है, मेजर केस नहीं आया है। एक आया था, वो भी रिकवर हो गया, तो सब सेफ है, सब मज़ेदार है। टू बी ऑनेस्ट आई एम काइंड ऑफ इमोशनल और मतलब सैड हैप्पी, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ऐसे हुआ है। वाइल्ड लाइफ, इसी चीज़ को तो मिस करने वाला हूँ मैं, ये वाइल्ड लाइफ। मतलब भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऐसा रोड हमें मिल जाता था भाई राइड करने का। हम लोगों ने यहाँ पे दोस्त बनाए, जस्ट लाइक कुलदीप भैया, एक यूट्यूबर फ्रेंड, उसके अलावा तो मतलब और जो दोस्त थे हमारे बचपन के, उनके साथ तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करी है भाई मज़ेदार। वॉकिंग, साइकिलिंग, पार्टीज, आउटडोर गेम्स, भर भर के मज़ेदार भाई, क्रेजी। एक और चीज़ और कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल यहाँ पे पढ़ाई किया, तो मैंने 5th और 6th क्लास इस स्कूल में की थी, माता दान कौर पब्लिक स्कूल। मतलब स्कूल वही है, हम वही हैं, बस टाइम बीत गया भाई। मतलब कभी सोचे ना इस बारे में गहराई से तो भाई दिमाग चकरा जाता है, ऐसा सीन है। बाइक में रिफ्यूल करा लेते हैं यार, बाइक में पेट्रोल नहीं है भाई बिल्कुल भी। कार्ड पेमेंट, कार्ड 310 का डाल दो, कर गया, पर्ची नहीं चाहिए, पर्ची दें दो। ठीक है, इनफ फ्यूल है अपने लिए को घर पहुंचने के लिए। बाकी भाई मैं जो कार्ड से पेमेंट करता हूं तो मैं स्लिप नहीं देता हूं, जस्ट बिकॉज की मतलब क्यों पेपर वेस्ट क्यों करें जब हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं। और आज तो ऐसे भी ऑनलाइन का ज़माना है भाई, ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ हमारे फ़ोन में होती है। और भाई ये सामने ऑल्टो वाला ना, ये बहुत ख़तरनाक गाड़ी चला रहा है, मतलब ख़तरनाक बोले तो रिस्की चला रहा है। देख, सबर नहीं है भाई, आ जा भाई, इसको ओवरटेक करना तो मतलब भाई क्यों करें, छोड़ ना, जाने दे, तमाशा देखने को मिल रहा है। भगाओ, अरे भगाओ ना भैया, अरे कैमरे के लिए भगा दो थोड़ी सी प्लीज। सोच रहा किसी तरह कहीं से कैसे तो निकाल ही लूँ, मतलब भाई साहब कतई सबर ना है। मुड़गो भाई। ah!
भाई झूठ नहीं बोलूँगा, इतने टाइम बाद हमारे इधर के आसपास के रोड देख के ना बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। अरे भाई साहब ये तो वाटर क्रॉसिंग है भाई, ऑन माय लेफ्ट। मजाक थोड़ी है के, देखना कितना ओवर है। बाबा कितना पानी है रे, कितना पानी है। तो भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे घर के आसपास में भी एक पहाड़ है जो कि हमारे लेफ्ट में है। कूड़ो भाई, इसकी मतलब जो हाइट है ना वो इतनी ऊंची है ना कि मेरे हिसाब से जितनी बिल्डिंग 6-7 फ्लोर होती है उतना शायद से ऊंचा है ये। बहुत ऊंचा हो गया भाई, कितना कूड़ा हम लोग इकट्ठा करते हैं। और दिल्ली में खाली यही नहीं है भाई, गाजियाबाद में भी है, फरीदाबाद में भी है, यहाँ भी है। आई थिंक 3 है, मे भी ज़्यादा होंगे तो पता नहीं। तो भाई ऐसा है सीन कुछ कि घर तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारे राइट साइड में, लेकिन अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमें एक काम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो पहले वो निपटाएंगे एंड देन घर जाएंगे। यार यहाँ भी पानी भरा है भाई, वोटर क्रॉसिंग के लिए हमें लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, पहाड़ों में हमें घर के आसपास ही देखने को मिल जाता है। बताओ अरे अरे अरे, भीगना नहीं है हमको, जूते भिगोने नहीं है अपने। बाकी भाई जो अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इस रोड को तो पहचान ही गए होंगे, मतलब कितनी वीडियोस हमने अपने घर के आसपास में यहाँ पे इस रोड पे दुनिया भर की बनाई है। ऑलमोस्ट अपनी बाइक का, दूसरी बाइकों का, सबके रिव्यू भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि खाली रोड है ना तो आसानी रहती। पहचान गए होंगे भाई, ये रोड तो मतलब फेमस है नॉर्थ दिल्ली में। तो बाकी भाई मिलते हैं बाद में, देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, साइनिंग ऑफ, योर दीपांशु हिल्स। बाय बाय, बाय बाय। I'm the guy from the hills, they be talking about my skills, but your voice is on the hills.